मुझे देखकर आप यही सोच रहे हैं ना, चारुल क्या बात है, आज तो एकदम तैयार श्यार होकर आई हूँ। एक्चुअली आज ना सेलिब्रेशन बहुत जगह जगह हो रहे हैं। ओके फाइन, अभी मैं आपको मेहंदी की रस्म में लेकर चलने वाली हूँ। आदित्य और सबरीना का मेहंदी सेलिब्रेशन हो रहा है। विश सीरियल की ये झलक आप देखिए भाई, यहाँ पर ना किसी ने तो एंट्री मारी है। कौन है वो, आपको दिखाते हैं। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। आलिया के हाथ में सबरीना की कलाई तो आदित्य के चंगुल में आलिया का गला। आखिर ये क्या है माजरा? सबरीना तो अपनी मेहंदी रस्म में आदित्य के साथ ठुमका लगा रही थी। लेकिन सबरीना के अरमानों पर पानी फेरने के लिए आलिया मेहंदी वाली बंजारन बनकर यहाँ पहुंच चुकी है। लुक थोड़ा बंजारा वाला लुक दिया है, पायल भी है, मोजरी भी है, कलरफुल सी स्कर्ट भी है, चोकर चोकर दिया है, नेक पीस दिया है, हाथ में चूड़ियाँ दी है, रिंग्स दिया है। सीरियल में रितु शिवपुरी की भी हो चुकी है एंट्री, जो यहाँ आलिया के साथ रुद्र माँ बनकर आई है। शी हैज कम टू क्लियर एवरी थिंग ऑफ ऑल ईविल, जितना भी मतलब ईविल है, जितना जो नेगेटिव है वो सब निकालने आई है, मदद करने आई है आलिया की। उधर मेहंदी सेरेमनी में आदित्य संग सबरीना का लुक भी कयामत ढा रहा था। Wearing a tissue saree. And gold, fully gold, 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 gold. So gold on gold. I've paired it with a very small earring. Yes. मगर सबरीना की राह इतनी भी नहीं है आसान। एक तरफ आलिया ने मिला दी है उसकी मेहंदी में रुद्राक्ष, तो दूसरी तरफ बकेट में आदित्य के बड़े भाई भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बकेट में हमारे जो बड़े भैया हैं, क्योंकि वो भी हमारी मदद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आदित्य के पास जाएं, ताकि अगर कोई किसी अपने को देखेगा आदित्य तो शायद कुछ उसे याद आए। यू नो, इसकी रुद्राक्ष की जो शक्ति होती है, इसे मेहंदी में मिक्स करने से विषकन्या पे असर होता है, सबरीना का हाथ फ्रीज हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि मेहंदी में मिला रुद्राक्ष कर पाता सबरीना का पर्दाफाश, सबरीना ने बत्ती गुल करके खोल दिया आलिया का राज। रुद्राक्ष वाला मेहंदी लग गया तो मेरे हाथों में इतना जलन हो रहा है, प्लस रुद्राक्ष लग गया तो मैं विषकन्या रूप में आ रही थी, तो उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने सोचा कमबख्त इस हाथ को ही काट देती हूँ। मैंने हाथ को काट दिया। आलिया का पर्दाफाश हुआ तो विशाली के वश में चल रहे आदित्य का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। हालांकि सबरीना और आदित्य से आलिया ने खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन आलिया विशैली से अपने प्यार को कैसे बचाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।